महिलाओं की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सहित विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने और अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस साल की थीम वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड है। प्रदेश की महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा दुनिया में मनवाया है। पंचकुला के पुलिस विभाग में कार्यरत ACP पद्मश्री ममता सौदा एवरेस्ट को फतेह करके दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। ममता सौदा को भारत के अलावा इंडोनेशिया, अफ्रीका, यूरोप व अमेरिका की सबसे ऊंची चोटियों पर भारत का तिरंगा फहराने का गौरव हासिल हुआ है। ममता सौदा ने कहा कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने के पीछे उनका मकसद समाज में लड़के और लड़की में भेदभाव की सोच में बदलाव लाना था। उन्होंने बताया कि माउंट एवरेस्ट पर भारत का परचम लहराने का अवसर प्राप्त हुआ, जो उनके लिए जीवन का स्वर्णिम क्षण था। मैं महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि अपनी लाइफ को, ऑफिशियल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को आप बिल्कुल डिफरेंट रखिए। आप जब एज ए ऑफिसर वर्क कर रहे हैं तो आप एज ए ऑफिसर हैं, और जब आप घर में आते हैं तो फिर आप एक बेटी हैं, बहू हैं, वाइफ हैं और इसके साथ एक माँ है, तो आप वो रोल प्ले करें, ना कि ऑफिस वाला जो है वो रोल प्ले अपने घर में करें, तो उससे ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो अपना प्ले अपने हिसाब से रखें, क्योंकि हमें डबल मेहनत करनी है और हम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और बड़ा ईजिली हो जाता है। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उनकी भी समझिए और थोड़ा सा अपने आप को भी, तो बैलेंस करके कोई भी चीज़ आए तो वो सब बढ़िया हो जाएगा।